छिंदवाड़ा के झुन्नारदेव में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक किया। दरअसल दमुआ साई मंदिर प्रांगण में तहसील विधिक सेवा समिति झुन्नारदेव के तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने एवं जागरूक करने के लिए सुझाव दिए गए एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से कोई वंचित न कर सके, उन्हें सही न्याय प्राप्त हो सके, ऐसे सुझाव आदिवासी महिलाओं के सामने रखे गए। इस कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश सोनपुरवा चौहान, सिविल जज सुधा पांडे, अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, सचिव सलीमुद्दीन, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुचराम एवं आदिवासी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झुन्नारदेव से अनिल साहू की रिपोर्ट। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी शर्मा साहब के निर्देशन पर एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय सोन प्रभा चौहान मैडम एवं व्यवहार न्यायालय झुन्नारदेव के न्यायाधीश सुश्री सुधा पांडे मैडम और यहाँ विधिक सेवा की सदस्य विश्वकर्मा मैडम के द्वारा आज शिविर आयोजित किया गया। इसमें अधिवक्तागण और थाने के थाना प्रभारी धर्मेंद्र जी भी उपस्थित हुए और आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कोई ना कर सके, उन्हें सही न्याय प्राप्त हो सके, इस संबंध में आज दमुआ में तहसील विधिक सेवा समिति झुन्नारदेव द्वारा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिलाएँ उपस्थित हुई जिन्हें माननीय एडीजे मैडम और माननीय सुधा पांडे मैडम द्वारा जानकारी दी गई। इस शिविर का मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी शोषित ना रहे, सभी को सही न्याय प्राप्त हो और ख़ास तौर पे आदिवासी महिलाएं अपने अधिकार से वंचित ना रहें, तथा माननीय एडीजे मैडम और सोन प्रभा चौहान मैडम और पांडे मैडम ने ख़ास तौर पे जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध ना घटे, किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, इसकी भी जानकारी दी गई और सलाह दी गई। किसी प्रकार की घटना घटती है तो तत्काल थाने में रिपोर्ट करें, किसी से ना डरे और शर्माए ना। बस शिविर का मूल उद्देश्य यही था। के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज से यह कार्यक्रम चालू हो रहा है और ये 30 जून तक चलेगा। इसके बाद फिर 8 नवंबर से 14 नवंबर तक इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी समुदाय है, उनके उत्थान के लिए, उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए, विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज हम सभी यहाँ दमोह में एकत्रित हुए हैं। यहाँ के आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी समुदायों को लीगल एड के बारे में जानकारी दी गई और उनसे उनकी समस्याओं को पूछा गया कि उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहा है। महिलाओं ने खुलकर हमें इस संबंध में जानकारी दी है और हमारे द्वारा लीगल एड के माध्यम से इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।